इसका प्राइस ओनली 2,19,000 2,19,000 अभी का टाइम 3.45 का 3.45 इसमें भी आपको 10,000 का डिस्काउंट आएगा। 3,45,000 में आपको गाड़ी में कोई वर्क नहीं, पेपर 3.5, 2,35,000 टोटल पेपर अपडेट गाड़ी देखो 5.45 में आएगा, 5,45,000 में 5,45,000 में ये i20 मिल जाएगी, स्पोर्ट्स आएगा 7.45 7,45,000 का प्राइस आएगा, 7,45,000 का भाई विटारा ब्रेजा बिटा वेलकम गाइस, कैसे आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ बैरकपुर में, और बैरकपुर में कलकत्ता कार बाज़ार के पास फिर से एक बार आ गया हूँ, और आज भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन देख लो भाई, क्रेटा, विटारा ब्रेजा, इको स्पोर्ट से, और भी i10, ग्रैंड i10, वैगनार, वरना वगैरह सब। तो चलिए फिर हम फिर से एक बार आ गए और फिर से मिलेंगे। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार, तो कैसे हैं कलकत्ता कार बाज़ार? वेरी वेलकम फ्रॉम कलकत्ता कार बाज़ार। कार बाज़ार बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं आज क्या दिखाते हैं, नया स्टॉक हम दिखाते हैं गाड़ियों का जो जो अभी है हम लोग के पास जी। आइए शुरू करते हैं। और मतलब दाम में क्या कुछ करवाए हैं आप? पूजा के लिए डिस्काउंट है, बड़ी गाड़ियों में हम लोग का 15,000 का डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा। छोटा गाड़ियों में 10,000 का डिस्काउंट चल रहा है। क्या बात है, मतलब 50,000 10,000। फाइनेंस अवेलेबल है ऑल ओवर कोलकाता कस्टमर के लिए, 100 से 150 तक का जो किलोमीटर के अंदर है अप टू कोलकाता, वो लोग के लिए फाइनेंस अवेलेबल है, नाम ट्रांसफर अवेलेबल है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, सारे सब कुछ अवेलेबल है। पहले गाड़ी देख लेते हैं अवेलेबल क्या क्या है। तो ये तो पूरी एकदम न्यू शेप को, इसमें तो एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर टच स्क्रीन है क्या अंदर? टच स्क्रीन है। अच्छा, सब कुछ है, मतलब ऑल फीचर्स है इसमें। ये 2020 की गाड़ी है, 2020 की गाड़ी, 20 की गाड़ी है। अरे वाह, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है, रेड एक्साई 1.2 1200cc का इंजन है, 1200cc का, इसमें ऑल फीचर्स है, सब कुछ इसमें, सब फीचर्स है। और मतलब जो i10 का 1.2 वो भी रहती है ना, i10 i10 का भी रहता है, ये मारुति का वेरिएंट का है। इसमें आपको एसी, पावर स्टेरिंग, पावर विंडो, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, ऑडियो माउंटेड स्टेरिंग कंट्रोलर, एयरबैग, एबीएस, एयरबैग भी है, एनी फीचर, सब कुछ है, एनी फीचर्स अवेलेबल, सभी फीचर्स। और ओरिजिनल पेंट में तो होगी भाई, क्योंकि ये 2020 की गाड़ी है, डॉक्टर ओनर की गाड़ी है। अच्छा, एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट कंडीशन। चलिए इसका किलोमीटर जानते हैं। इसका किलोमीटर आपको वही 18,000 से 19,000 20,000 के अंदर, 20,000 के अंदर चली हुई गाड़ी है। और ये ऑटोमेटिक तो नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक मैनुअल, मैनुअल है। तो इसका प्राइस? एक गाड़ी और आगे मैं दिखाया हूँ, वो वैगनार VXi है, ऑटोमेटिक 2019 की, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसका प्राइस जानते हैं सुख जी? इसका प्राइस आपको है 525 का, 525 जी, 5,25,000 5,25,000। तो ऐसे कोई शोरूम में लेने जाएगा तो क्या पड़ेगा? न्यू प्राइस इसका आपको ऑन रोड हो जाएगा 7.80 का, तो मतलब 1.5-2 लाख का डिफरेंस है, डिफरेंस है जी। अच्छा, प्लस तो डिस्काउंट तो चल ही रहा है ना पूजा को, आप बोले डिस्काउंट हम लोग का बड़ी गाड़ियों में। इसमें कितना बड़ी गाड़ी में? ये तो छोटी गाड़ी, 10,000। हाँ, 10,000 का डिस्काउंट आएगा। अच्छा, इसमें 10,000 का, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर बैठ के बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। अच्छा, अब आगे एक वरना में पर्पल कलर, ये है आपका हुंडई का वरना, SX है, टॉप मॉडल, डीजल वर्जन की, डीजल वर्जन की, डीजल वर्जन की, ये 2013 की गाड़ी है। और ये कितना चली है? ये चली आपको 55,000 चली हुई। ये भी तो कंडीशन में लग रही है पूरी, बिल्कुल कंडीशन में गाड़ी है, टॉप मॉडल का गाड़ी है, अलॉय वगैरह सब। भरना में ज्यादा डिमांड होता है कस्टमर, क्योंकि इसका एवरेज बहुत अच्छा होता है, 17-18 का एवरेज आता है, और हाईवे में आपको 20+ भी दे सकता है। दे सकता है, बिल्कुल। प्राइस जानते हैं इसका? इसका प्राइस आपको आएगा 399 का, मतलब 4 लाख 399। और ईयर क्या बताया था आपने? 2013 की, 13 की 23 तक, 23 तक का टैक्स है, इंश्योरेंस टैक्स सब कुछ पेड, सब कुछ पेड। इसमें भी लोन हो जाएगा कोई? इसमें भी फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। 100 से 150 किलोमीटर के अंदर का जो भी कस्टमर है उनके लिए फाइनेंस, उनके लिए फाइनेंस भी अवेलेबल होगी। अच्छा, ऑल इंडिया का कोई भी कस्टमर ले सकते हैं, उनके लिए NOC अवेलेबल होगा, अवेलेबल है सारा पेपर, जैसा भी कस्टमर है उनके लिए अवेलेबल होगा जी। अभी मारुति का स्विफ्ट डिजायर, डिजायर
तो 2012 की गाड़ी है। हाँ, इसका प्राइस आपको 325 का आएगा। VDI डीजल है, VDI डीजल है, डीजल वर्जन में है। 3,25,000 ये भी गाड़ी बहुत अच्छी है। ये किलोमीटर क्या चली? 48,000 चली हुई है डीजल गाड़ी। गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। इसका माइलेज 20+ और सिटी में आपको 17-18 का माइलेज देगा। 17-18 का। मेंटेनेंस कम है, गाड़ी का डिमांड ज्यादा है। मारुति की ब्रांड है तो भाई मेंटेनेंस तो कम रहेगी। सब कुछ मतलब बेटर है, बेटर है। AC, पावर स्टेरिंग, पावर विंडो, अनव्हील्ड म्यूजिक सिस्टम सब अवेलेबल है। इसके पीछे एक होंडा सिटी है क्या? इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये होंडा सिटी 2014 की गाड़ी। ये 14 की गाड़ी है, ये SMT वेरिएंट है 2014 की गाड़ी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइफ टाइम टैक्स है। लाइफ टाइम टैक्स है, डीजल वर्सन है। डीजल वर्सन में इसका एवरेज बहुत अच्छा है, 17-18 का एवरेज देता है। लाइफ टाइम टैक्स है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। आपको टैक्स का कोई झंझट ही नहीं है, इंश्योरेंस पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। आपको प्राइस आएगा 485 का प्राइस आएगा। किलोमीटर क्या चलाया था आपने? ये इसका किलोमीटर आपको अप्रोक्स वही 55 to 60 के आसपास चली हुई है गाड़ी है। बिल्कुल, तो ये भी एकदम प्राइस सही है, बेस्ट प्राइस है आपका। बेस्ट प्राइस है, इसमें भी डिस्काउंट होगा। इसमें भी कितना? 50,000 का? नहीं नहीं, 10,000 का नहीं आएगा। देख लेंगे 10,000-50,000 जो भी होगा डिस्काउंट करवा देंगे। बिल्कुल, ऑन द टेबल। अब आगे चलते हैं, आगे भी और भी एकदम सही सही चलते हैं। ये हुंडई का i20 से शुरू करते हैं। ये तो पूरी एकदम क्लासी लग रही है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या होगी। ये आपका 2017 की कार है, 2017 का i20 स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स है, अच्छा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। किलोमीटर रन ओनली 28,000 ओनली चलिए स्टेपनी यूज नहीं हुआ है। गाड़ी एकदम एक्सीलेंट है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है गाड़ी पूरी। गाड़ी आपको 5.45 में आएगा, 5,45,000 में। 5,45,000 में ये i20 मिल जाएगी। स्पोर्ट्स आएगा, स्पोर्ट्स है बिल्कुल। इसमें अलॉय व्हील, एयर बैग, बिल्कुल ये सब तो एक्स्ट्रा में लगाया गया है, निकलिंग वगैरह ये सब एक्स्ट्रा लगाया गया है। अच्छा, अलॉय व्हील भी बहुत कॉस्टली वाला लगा हुआ है। बिल्कुल, ऑडियो माउंटेड स्टीयरिंग कंट्रोलर भी है, ऑटो क्लाइमेट एसी भी है, मतलब सब कुछ है, फीचर्स इसमें अवेलेबल है सनरूफ छोड़ के। वाह, अब इसके बाद जस्ट अपोजिट में ब्रांड ये है मारुति का विटारा ब्रीजा। ये मारुति का विटारा ब्रीजा है, 2017 का दिसंबर की गाड़ी है। डीजल है या पेट्रोल? डीजल GTI+ डुअल टोन। GTI+ डुअल टोन है। ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, 5 रेटिंग की एक्सीलेंट कंडीशन की गाड़ी है। ये आपको 2017 नवंबर की गाड़ी है। नवंबर की गाड़ी है। इसका प्राइस आपको आ जाएगा 7.45 का। 7,45,000 का भाई विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा तो पहले मिल नहीं रही, आजकल तो अलग ही ट्रेंड चल गई है। विटारा ब्रेजा कितने लोग जाने लगे? पेट्रोल वर्सन में आ गया है अभी तो बहुत ज्यादा निकल रहा है, डीजल का मिल ही नहीं रहा है। नाम थोड़ा चेंज हुआ है, टोयोटा में जाके दूसरा नाम हो गया है। मारुति में तो विटारा ब्रेजा था, उसमें जाके क्या नाम हो गया? उसमें अर्बन बोलते कुछ नाम। अच्छा, अर्बन क्रूजर। अच्छा, अभी ये गाड़ी GTI+ है, डुअल टोन है, मतलब सबसे टॉप मॉडल, 12 लाख के ऊपर का प्राइस है इसका डीजल वर्सन में। और आप सिर्फ दे दे रहे हैं 7.45 में मिल जा रहा है, और बाकी डिस्काउंट है। आप आइए, गाड़ी देखिए, पसंद कीजिए जी। और ये किलोमीटर क्या बताया था आपने? इसका किलोमीटर आपको 50+ चलिए। 50+ मतलब 60,000 के आसपास चलिए? नहीं नहीं नहीं, 50 मतलब 51-52,000 यही सब आसपास, 50,000 के आसपास चलिए। राइट, अब इसके बगल में एक इको स्पोर्ट्स है, या उधर i10 भी एक। अच्छा, तो यहाँ भी दो गाड़ी है, आज तो पूरे एकदम भर के गाड़ी दिख रही है। सब जी, पूजा का पूरा 2013 की गाड़ी है, 2013 की गाड़ी है, 13 की गाड़ी है, 2013 की गाड़ी है। 23 तक का, 23 तक का इंश्योरेंस टैक्स पेड है। अच्छा, इंश्योरेंस पेड है। हाँ, गाड़ी i10 एडा वेरिएंट की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, इसका प्राइस आपको आ जाएगा 2.35, 2,35,000। टोटल पेपर अपडेट, गाड़ी भी एक्सीलेंट कंडीशन में है। अच्छा, कोई काम कोई वर्क नहीं है गाड़ी। इसमें कितना का डिस्काउंट मिलेगा? इसमें आपको मैक्सिमम वही 10,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। अब इसके बाद ये i10 है, तो आगे ग्रैंड i10 है। ये नई वाली ग्रैंड i10 है। अच्छा, ये डीजल है या पेट्रोल? डीजल वर्जन की है। अच्छा, डीजल वर्जन में माइलेज बहुत अच्छा है। अच्छा, माइलेज अच्छा है। ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स है। अच्छा, स्पोर्ट्स है। 2014 की गाड़ी है, 24 तक का टैक्स पेड है, 24 पेड है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ओनली रन किया है 36,000 गाड़ी का टायर भी न्यू है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में है। पेंट, बॉडी, एक्सटीरियर, इंटीरियर सब अच्छा है, स्पोर्ट्स मॉडल है। इसका प्राइस आपको आएगा
3.45 का, 3.45 इसमें भी आपको 10,000 का डिस्काउंट आएगा, 3,45,000 में आपको ये गाड़ी का कोई वर्क नहीं, पेपर अपडेट है, गाड़ी एक्सीलेंट कंडीशन है, बहुत अच्छा कंडीशन, बहुत अच्छा कंडीशन, तो आप देख सकते हैं। अब एक इको स्पोर्ट्स देख लेते हैं। अब ये है फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट्स, फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट्स, तो इसका क्या डिटेल होगा? ये आपको 2015 की गाड़ी है, ट्रेंड है, एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें है, एसी, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एयर बैग, आपको ये अलॉय व्हील्स, अच्छा ये सब लगा हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ है इसमें। टाइटेनियम टॉप मॉडल है? नहीं, ये टाइटेनियम नहीं है, बीच वाला है, ट्रेंड है, ट्रेंड अलग से अलॉय व्हील लगाया हुआ। अच्छा, ये आपका प्राइस आ जाएगा 499 का, 499 4,99,000 में ये चली कितनी प्राइस है? ये चली है आपको 54,000 चली हुई है, मात्र 54,000 किलोमीटर रन की, किलोमीटर रन की हुई है, बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब जब भी आते हैं इको स्पोर्ट्स लगी रहती है, कोई भी दूसरी कलर की हो या फिर कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल, इको स्पोर्ट्स का डिमांड अच्छा है, लुक वाइज अच्छा है गाड़ी का, गाड़ी एक्सटीरियर इंटीरियर मैकेनिकल बहुत अच्छा है, मैकेनिकल बहुत अच्छा है जी, सही बात। ये तो हो गई है क्या डब्ल्यू आर होंडा का डब्ल्यू आर अच्छा डब्ल्यू आर ये होंडा का डब्ल्यू आर भी है, टॉप वेरिएंट का गाड़ी है, विद सनरूफ, एबीएस, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। क्या बात है, डीजल वर्सन में है इसका, भी माइलेज आपको 17-18 का देगा, और हाईवे में 20+ का माइलेज मिलेगा, 20+ का, बहुत एसयूवी में, मतलब स्मॉल एसयूवी में, छोटा एसयूवी में, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है। आपका इसका प्राइस आ जाएगा 7.55 का, 7,55,000 का, 7,55,000 डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये गाड़ी आपको चली है मात्र 24,000 100 किलोमीटर 24,100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, गाड़ी ये आपको देख सकते हैं 2018 की गाड़ी है, 2018 की है। अब इसके बाद एक और i20 एक्सेंट है, हुंडई, अच्छा एक्सेंट है, लग रही है का एक्सेंट है, ये 2015 की गाड़ी है। अच्छा, ये कोलकाता नंबर की गाड़ी है, WB20 WB20 ये बाहर का नंबर था, अभी कोलकाता का हो गया है। अच्छा, इसका नंबर 2-3 दिन में हम लोग लगा देंगे, नंबर प्लेट इसमें आ जाएगा, अभी फिलहाल अलीपुर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नंबर प्लेट दिया हुआ है, 2-4 दिन में लग जाएगा। ये आपकी 15 की गाड़ी है और लाइफ टाइम का टैक्स है, बड़ा एडवांटेज है कि लाइफ टाइम का टैक्स दिया हुआ है। ये गाड़ी मात्र चली है आपको 32,000-33,000। अच्छा, ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, एक्सीलेंट कंडीशन में, डीजल में, आप देख सकते हैं पेट्रोल है, पेट्रोल में, पेट्रोल वेरिएंट है। इसका प्राइस आपको 3.65 का आएगा, 3.65 फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन में, इसको भी आप देख सकते हैं, सेडान गाड़ी में, अच्छा मतलब ठीक प्राइस में, एक्सेलेंट कंडीशन, कोई वर्क नहीं, कोई काम नहीं है, एक्सटीरियर इंटीरियर फ्रेश है गाड़ी, फ्रेश है। चलिए, इसका प्राइस तो आपने बताई दिया, इसका प्राइस 3.65 का आएगा। और आप देख रहे हैं इस बार एक और i10 2012 की i10 है, 12 की i10 है, तो ये कैसी है? हुंडई की i10 मैंगना है। किलोमीटर क्या है? किलोमीटर इसका आपको अप्रोक्स 46,000 चली है, 46,000 अप्रोक्स चली है। ये गाड़ी 2012 की 22 तक का टैक्स पेड है। अच्छा, इसका प्राइस आपको 2,19,000 का है, मात्र 2,19,000 इसमें भी डिस्काउंट अवेलेबल है पूजा के लिए। ये गाड़ी भी देख सकते हैं, गाड़ी LPG भी है प्लस पेट्रोल, LPG प्लस पेट्रोल दोनों वेरिएंट है इसमें। अच्छा, आप LPG से भी चला सकते हैं, पेट्रोल से भी चला सकते हैं, और इसका प्राइस ओनली 2,19,000 अभी का टाइम में LPG से मतलब बहुत सेव होगा पेट्रोल के कंपेयर में। कंपेयर आप इसको भी देख सकते हैं, आपका बजट में है ये जी। अब इसके बाद एक क्रेटा में आ जाते हैं। ये क्रेटा कब की है? ये 2017 की है, 17 की है। अच्छा, 2017 की हुंडई क्रेटा, हाँ, टॉप मॉडल है क्या? टॉप मॉडल है, डीजल वेरिएंट। अच्छा, SX ऑप्शनल? नहीं, ऑप्शनल नहीं है, SX है। और उसमें 2017 में सनरूफ नहीं था, 18 से सनरूफ आया, 2017 की गाड़ी है, टॉप मॉडल, डीजल वर्सन, डीजल वर्सन। इसका प्राइस आपको 8.55 का है, 8.55, 8,55,000 का प्राइस है गाड़ी। अच्छा, मिंट कंडीशन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओनली रन की है 38,000 ओनली रन हुआ, ओनली रन 38,000। ये गाड़ी मेरे पास आज ही आया है, इसको अभी पॉलिश वॉश होना बाकी है जी। ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, अगर आप क्रेटा में जाना चाहते हैं तो बेस्ट कंडीशन में, मिंट कंडीशन में गाड़ी, इसको आप देख सकते हैं, देख सकते हैं जी। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, ओनली रन 38,000, हुंडई क्रेटा CRTi SX। अब इसके बाद एक यहाँ पे कम बजट की गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, मारुति का एल्टो, मारुति का एल्टो,
मारुति का एल्टो 2009 की गाड़ी है। 9 की गाड़ी है। अच्छा, 24 तक का टैक्स पेड है। फर्स्ट ओनर का गाड़ी है। गाड़ी बहुत अच्छी है, कंडीशन इसका बहुत बेटर है। एलआईबी लगाया हुआ है, एसी, पावर स्टेयरिंग सब कुछ है इसमें। सब कुछ है इसमें। म्यूजिक सिस्टम, लेदर सीट कवर सब कुछ है इसमें। इसका प्राइस आपको 1.49 का आएगा। अच्छा, इसमें भी डिस्काउंट अवेलेबल है पूजा के लिए। 149 का। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं, कम बजट है तो ये गाड़ी में भी आप। अब आगे चलते हैं, और क्या गाड़ी है? और तो गाड़ी हम लोग का पार्किंग में है जी। जी अभी हम लोग के पास में आपका महिंद्रा का TUV है, T8 टॉप मॉडल। अच्छा, वो भी आपको मिल जाएगा। 16 की गाड़ी है। 26 तक का टैक्स मिलेगा। वो 595 का प्राइस आएगा। 2016 का TUV सिल्वर कलर का। वो भी गाड़ी 40,000 के प्रूफ चली है। गाड़ी बहुत अच्छा है, वो भी देख सकते हैं। मेरे पास स्विफ्ट है, VDI, वो भी देख सकते हैं। 2012 की गाड़ी, 295 की प्राइस है। अच्छा, और भी बहुत सारी गाड़ी है जो कि स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप कॉल करके ऐड में आ जाएगा, वीडियो में आप देख पाएंगे। जी, सही बात है। तो भैया, जो भी गाड़ी आपको पसंद आ रही है या बैरकपुर एरिया से हो, कहीं से भी हो, तो आप कॉल करके भैया से कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात करेंगे, जो भी होगा फैसिलिटी, हम लोग पूजा के लिए स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।